नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है, सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। अब हम बात करेंगे 29 अगस्त 2019 के उपाय की। आप जानते हैं प्रतिदिन एक उपाय मैं बताता हूँ। मुझे 3-4 मैसेज आए कि आप कहते हैं रोज़ उपाय करो, तो मैं जो आज उपाय बताता हूँ उसको नहीं कहता रोज़ कीजिए, बल्कि कहने का अर्थ ये होता है कि जो प्रतिदिन उपाय बताया जाता है उसको किया करें, यानी प्रतिदिन वीडियो देखें, जो उपाय बताया गया है वो कीजिए, किसी दिन छूट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करते रहिए। कहने का अर्थ ये होता है, जो लोग ये मान लेते हैं कि आज जो उपाय बताया गया है उसी को प्रतिदिन करने को कहा जाता है, तो वो गलत हैं, ऐसा नहीं करें, बल्कि रोज का रोज उपाय करें जो मैं बताता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार के उपाय की। आप जानते हैं थर्सडे का मेन उपाय होता है, ये उपाय अगले 7 दिन तक आपको राहत देता है। एक तो प्रत्येक गुरुवार दूध में हल्दी डालकर अवश्य पिया करें, ये तो किया ही करें, और गुरुवार हल्दियाँ, चंदन या केसर का तिलक जरूर लगाया करें। यह काम तो आप पक्के अपने मन में बैठा लें और ये किया करें। आज जो उपाय करना है उसको समझ लीजिए, पीले रंग का कोई भी वस्त्र किसी धार्मिक व्यक्ति को दे दीजिए, यानी साधु संत पुजारी, चाहे एक रुमाल ही दीजिए, चाहे शर्ट दीजिए, चाहे कुर्ता पजामा दीजिए, चाहे धोती दीजिए, पीले रंग का कोई वस्त्र। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, साधु संत या पुजारी, तो किसी धर्म स्थान में चढ़ा दीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आज गुरु की विशेष शक्तियाँ बहनी हैं और जब हम कुछ खास करेंगे तो हमें खास लाभ मिलेंगे, तो आज ये अवश्य कीजिएगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी, जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा, यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814445
50802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।